हाय, मैं रेडी होके आ चुकी हूँ। रोहित को मैंने सुबह से, मतलब दोपहर में वो आए थे, मैंने अभी तक उनको लिविंग रूम में एंट्री नहीं लेने दी है। एंड इट्स अ सरप्राइज फॉर हिम। एंड थोड़ा सा गेस्चर है, दिखाती हूँ मैंने कैसे क्या क्या रेडी किया है। एंड पीछे तो आप देख ही सकते हो, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रेडी किया है। हेलो, मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। रोहित ने अभी तक कुछ देखा नहीं है, रोहित के लिए कंप्लीट सरप्राइज है। सो होप उनको अच्छा लगे। ये मेरी पूरी डेकोरेशन है आफ्टर कंप्लीशन, एंड उनको रेड वेलवेट केक पसंद है, तो ये उनके लिए। एंड अभी वो रेडी होने गए हैं, तो चलो। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बट अब उनका ही वेट है, तो लेट्स सी। अभी आवाज़ लगाती हूँ मैं, उनको एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं उनको कैसा लगेगा। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नर्वस हूँ और एवरीथिंग, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। लेट्स सी, आप लोगों के सामने रोहित। लेट्स सी उनका कैसा रिएक्शन होगा। वाओ, रियली नाइस डेकोरेशन। हेलो एवरीवन, ये मैं हूँ, वो पारुल है और ये हमारी डेकोरेशन है। वेरी नाइस, रोहित लव पारुल। तो अब हमारी पार्टी होगी, हम पार्टी करेंगे। होप आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। हमारा अब अच्छा जाएगा जब हम पार्टी करेंगे। इज वेरी नाइस डेकोरेशन, आपने बहुत अच्छा क्राफ्ट किया है। और लॉकडाउन में ऐसी पार्टी हो रही है हमारी दोनों की। वही, मैंने सब कुछ रिसाइकल से बनाया है। मैंने देखे थे कार्डबोर्ड आ रहे थे। क्या, मेरे को लग रहा था कुछ तो चल रहा है। इज रियली गुड, यू लाइक इट? या, इज गुड, अच्छा है। एंड मैं आपके लिए केक भी लाई। केक लाई तो गई कैसे तू? शॉप कैसे गई? ये दैट इज बिग क्वेश्चन कि ये दुकान पे कैसे गई। वैसे तो ये अपना एक सामान नहीं लेके आती, अब ये केक शेक और ये पूरी डेकोरेशन कर दी। देखी लुकिंग यशिकावी, ये सच, ये बिल्कुल सही बोल रही है यशिका, मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। वो शादी वाली पिक्चर में चाची चाची नहीं लग रही हैं। इस रात ये मैं हूँ, ये चाची है और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये मैं हूँ, ये मिसेस बेगम है और ये हमारी वर्चुअल कॉल पे बातें हो रही है। ये देखो चाची वर्चुअल कॉल पे अपनी डेकोरेशन दिखा रही हैं। ये देखो हमारी वर्चुअल सेलिब्रेशन हो रहा है। हैप्पी एनिवर्सरी। यहाँ पे यशिका केक काट रही है, यहाँ पे हम काटेंगे। अब हेलो, यस, आर यू रेडी? वी आर रेडी। Is everyone ready? Is Yashika ready? Happy anniversary to us! Happy anniversary to us! ये देखो हमारी पार्टी हो रही है। Thank you all. Yummy in my tummy. This is for Yashika now. This is for everyone. तो आजकल एज ए वर्चुअल हमें वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो नहीं, सेलिब्रेशन करना पड़ता है। We miss you, Yashika, Alicia, Myra,
मैडा कह रही है सोन दो। चाचू इज बीन नॉट इज ईटिंग टू मच। मेरे को पता नहीं कोई नॉटी हो रहा नहीं हो रहा, मैं जरूर हो रही हूँ। चेज़ी यशिका, यस वेरी गुड। रात को बच्चों को पीना चाहिए। हमने बैठे बैठे ये पूरा आधे से ज्यादा केक फिनिश कर लिया है और वो सारा हम दोनों का मिली भगत है, ये मेरे ऊपर अकेले में नहीं है। और उधर यशिका ने एक पूरा खत्म कर दिया है। वेरी नाइस। हमारा भी इतना ही बचा है भाभी। तो ऐसे है, आज खाने के लिए कुछ नहीं है, सारे केक ही है। मीठा मीठा दिन है तो मीठा ही सब कुछ। नो यशिका ने देखो चाची के लिए रेड रोज लाई है। वेरी नाइस यशिका, रेड रोज लाई है। थैंक यू वेरी मच। ये मैं हूँ, ये पारुल है और ये यहाँ पे रोटी बना रही है, वो भी बाजरे की। आज बाजरे की रोटी बन रही है और क्या स्पेशल है डिनर में। आज सारा जो डिनर है वो मिसेस बेगम ने ही प्रिपेयर किया है, तो ये वीडियो में नहीं आएगा क्या कैसे प्रिपेयर किया है, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर करता हूँ वो वीडियो में आता है कि कैसे कौन सा तड़का लगाया है। लेकिन आज आपको सीधा बना हुआ साग है ये, पालक पनीर। तो साग में बस साग में सरसों नहीं है, आधा साग है। और ये है करेले में आलू, तू रहेगी मेरी शालू। नहीं, करेले में आलू नहीं है, मतलब करेले में आलू नहीं है तो ये शालू भी नहीं है। तो करेला है, करेले में प्याज है, पीसे प्याज पीसे पारोल। तो बाजरे की रोटी कैसे बनती है यूके के अंदर वो देख लें। ऐसे बनती है नॉर्मल जैसे आटा गूंथो वैसे ही बाजरे। तो ये सिंपल जैसे गेहूं की रोटी बनती है वैसे ही बन जाती है। नहीं वैसे क्यों बनती है, बाजरे का आटा टूटता है ना। हाँ तो टूटता है, तो मतलब ये उसको आटे को एक साथ ही वो कर लिया। नहीं मैंने इसे थोड़ा सा डाला है क्योंकि मैंने इसको पलोथन के लिए रखा है, बिकॉज मेरा टूटता है तो मैंने इसके अंदर वो नहीं किया, बस मैंने इसको पलोथन के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। Alright, that's good. ये देखो बाजरे की रोटी कैसे बन रही है, ये गोल मुश्किल ही बनती है। है ना। बाजरे की रोटी के ऊपर मक्खन हो तो और भी स्वाद आ जाए और साथ में हरा साग। ये देखो बाजरे की रोटी बन रही है और ये गोल नहीं है, क्योंकि गोल बनाना मुमकिन तो है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, लाइक नामुमकिन तो नहीं है लेकिन नहीं बनती गोल। बाजरे की रोटी कम ही बनती है, बनती होंगी भी एक आधी तो, पारो पता नहीं, मेरी तो मुश्किल ही बनती है। वैसे तो हाथ से ही बनाते हैं हम, तो चकला विलन भी यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा फाइन आटा है तो ये देख सकते हैं। ये है बाजरे की रोटी, आप देख सकते हैं। ये देखो एक हमारी बाजरे की रोटी रेडी हो गई है और ये दूसरी रोटी इसके ऊपर गई है अभी। रोहित अगर तुमने अब इस टोन में फिर से बोला ना तो मैं क्या करूं, मेरी पार्टी हो रही है। और इसके ऊपर एक घी है, ये जो घी है ये मैंने बनाया था, कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को पता नहीं। मुंह में हम मिठू कहते हैं ऐसे। नहीं ये देखो दानेदार सा बना है घी ना, जो दानेदार घी होता है वो अच्छा होता है। सेकंड रोटी,
तो फाइनली खाना रेडी हो गया है और अब हम अपना खाना एंजॉय करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजे और प्यार दिया। सीरियसली आप लोगों की इतनी सारी दुआएं एंड विशेस हम लोगों को बहुत ही अच्छी लगी एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू अस। आप लोगों के वजह से हमें एक नई इंस्पिरेशन मिलती है, तो थैंक यू। एंड हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज बनाएंगे एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, राम राम, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राम।